देखिए 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई महाप्रभु जगन्नाथ की, इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूँ। गरीब परिवार से आते हुए काम करते करते निश्चित रूप से हमको मेरा विधानसभा काम करते करे मेरे को सारा उड़ीसा के काम पर जिम्मेदारी मेरे को मिला। वो पार्टी का तो विचारधारा ऐसे ही बहुत अच्छा विचारधारा है। विरोधी दल का भी स्ट्रांग रहना का भी आवश्यकता है, वो हमको सुझाव तो जरूर देंगे ना। हमारा मैंडेट के लेते हुए और संकल्प पत्र के लेते हुए हम काम करेंगे। निश्चित रूप से सरकार अच्छा ढंग से चलेगा और हम भी सरकार को ठीक ढंग से चला के लूंगा, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद है और 4.5 करोड़ उड़िया लोगों का हमारा साथ, उनका शुभेच्छा और आशीर्वाद है। देखिए 25 साल का संघर्ष हुआ और विरोधी दल का काम करते करते आज सरकार में आ गई महाप्रभु जगन्नाथ की, इसलिए मैं उनका आभारी प्रकट करता हूं और उड़ीसा का 4.5 करोड़ लोगों का उनको भी धन्यवाद देता हूं, दे रहा हूं। और मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्र में काम करने के लिए, और दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी गारंटी का जो बात बोले काम करने के लिए, और निश्चित रूप से उड़िया लोगों के मोदी गारंटी का जो काम, उसको निश्चित रूप से अगला 5 साल में करके दिखाऊंगा और निश्चित रूप से उड़िया लोगों को न्याय दूंगा। सर, आपने आज एक ट्वीट करके कहा कि भाजपा ही है और मोदी है जिसमें आपके जैसा एक साधारण कार्यकर्ता का भी सीएम बनना संभव है। निश्चित रूप से देखिए हमारा भाजपा का ऐसे विचारधारा अभी काम कर रहा है। मोदी जी जैसे आए प्रधानमंत्री के रूप में, एक चाय बेचने वाला एक आदमी होके आया और आज प्रधानमंत्री बोले। मैं भी एक साधारण परिवार से ही आया हूँ, गरीब परिवार से मैं आया हूँ, और आज निश्चित रूप से वो भाजपा में संभव है जो काम करेगा लोगों का सेवा करने के लिए, जो संकल्प लेगा, निश्चित रूप से वो पार्टी उनको सही पद पर सही जगह में सही टाइम पर वो निश्चित रूप से दायित्व देगा। वो बात आज सफल भी हुआ और आज मैंने भी जैसे एक गरीब परिवार से आते हुए काम करते करते निश्चित रूप से हमको मेरा विधानसभा काम करते करे मेरे को सारा उड़ीसा का काम और जिम्मेदारी मेरे को मिला। वो पार्टी का तो विचारधारा ऐसे ही बहुत अच्छा विचारधारा है, इसमें से लोगों का, गरीब लोगों का काम करने का निश्चित रूप से जो हमको दायित्व मिला वो काम हमने अगले 5 साल तक में करते करते निश्चित रूप से लोगों का विकास धारा बढ़ाते हुए उनको न्याय दूंगा और लोगों का काम करूंगा। सर, आपके साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, वो 3 अंचल से 3 जन को किया गया, तो उसमें पूरा उड़ीसा को रिप्रेजेंट देने के लिए कोशिश करेगा। निश्चित रूप से आप देखिए पश्चिम उड़ीसा से लेकर पूर्व उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा, और केंद्र मंत्री भी ऐसे दायित्व पार्टी ने दिया जैसे कि पूरा उड़ीसा को, सारा उड़ीसा को काम करने के लिए जो हमको आज डबल इंजन का सरकार आ गया। निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प पत्र है भाजपा का उड़ीसा का प्रदेश में, वो संकल्प पत्र को लेते हुए हम जरूर सारा उड़ीसा को, और जो मध्यवित्त और निम्न परिवार लोग जैसे उनका लेते हुए संकल्प पत्र बना हुआ है, उनको न्याय देने के लिए वो काम चारों तरफ अच्छा ढंग से हम करेंगे। सर, आप संकल्प पत्र में काफी कुछ लिखे हैं, तो उसमें कौन सा को प्राथमिकता देंगे आप? प्राथमिकता हम देखिए वो जो सुभद्रा योजना हमने लिए ना, और उनके साथ साथ जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर का जो चारी द्वार खोलने का, और जो किसानों का जो हमने
एमएसपी बढ़ाने के लिए जैसे हम हमारा संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है उसको लागू करने के लिए निश्चित रूप से हमारा सरकार पहले चरण में अगला 100 दिन में कैसे वो काम शुरू होगा इसलिए हम जरूर देखेंगे। सर इस बार विपक्ष भी काफी स्ट्रांग रहेगा, वो कैसा मुकाबला होगा विधानसभा? देखिए विरोधी दल का भी स्ट्रांग रहना का भी आवश्यकता है, वो हमको सुझाव तो जरूर देंगे ना। हमारा मैंडेट के लेते हुए और संकल्प पत्र के लेते हुए हम काम करेंगे, इसमें से जरूर अच्छा ही निकलेगा लोगों का भलाई के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सेवा करने के लिए, और निश्चित रूप से अच्छा काम ही होगा। मेरा काफी एक्सपीरियंस है विधानसभा और हाउस चलाने के लिए। अलायंस गवर्नमेंट में मैंने जैसा गवर्नमेंट डेप्यूटी चीफ था, अपोजिशन में चीफ हुई मैंने 5 साल कठिनाई परिस्थिति में मैंने काम किया, और चीफ मिनिस्टर का साथ भी मैंने सहयोग करने के लिए मैं देखा है पहले चीफ मिनिस्टर ने कैसे काम कर रहे हैं और मैं भी सहयोग में उनके साथ थी, इसलिए मेरे को आज लग रहा है कि निश्चित रूप से सरकार अच्छा ढंग से चलेगा और हम भी सरकार को ठीक ढंग से चला के लूंगा, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद है और 4.5 करोड़ उड़िया लोगों का हमारा साथ, उनका शुभेच्छा और आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से उनका काम ठीक ढंग से सही समय पर 5 साल में निश्चित रूप से हमारा पार्टी और लोगों का साथ, पब्लिक का साथ, निश्चित रूप से पब्लिक का साथ हम काम करते करते निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाऊंगा।